अगर आप रोज कुछ नया जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अपने इस YouTube चैनल मास्टरमाइंड नारायण को। क्या आप जानना चाहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म के कुल 18 पुराण हैं और इन्हीं में से एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें कई उपायों का वर्णन है और पाप तथा पुण्य के बारे में भी लिखा गया है। हिंदू धर्म में मांस का सेवन करना पाप माना गया है। किसी भी वेद या पुराण में मांस खाना उचित है ऐसा नहीं लिखा गया है। हर वेद और पुराण यही कहता है कि किसी की हत्या कर उसके मांस को खाना घोर पाप है। किसी भी जंतु को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी जीव की हत्या करें। अपनी भूख को मिटने के लिए किसी भी जीव की हत्या करना सही नहीं है। संसार में भूख मिटाने के लिए अनाज सब्जियां सभी मौजूद है, तो किसी बेजुबान जीव की हत्या करना कैसे सही हो सकता है? कृष्ण जी कहते हैं कि मैं उन लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करता हूं जो मांस का सेवन करते हैं। व्यक्ति जो मांस बेचता है, मांस पकाता है या परोसता है, वह भी उतना ही पापी है जो मांस का भक्षण करता है। मांस के लिए जीव की हत्या करना पड़ती है और हिंदू धर्म में हिंसा को भी पाप माना गया है। सनातन संस्कृति हमेशा से ही सभी जीव जंतुओं के सम्मान की बात करता है और सनातन ग्रंथों में भी यह लिखा हुआ है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। मांस मदिरा का सेवन करना राक्षसी प्रवृत्ति है तथा केवल राक्षस ही ऐसा करते हैं। जो मांस खाता है उसको सजा भोगनी पड़ती है और कभी भी प्रभु के चरणों में स्थान नहीं मिलता है। वह हर लोक में दुख भोगते हैं। मांस मदिरा तामसिक होते हैं और इनके सेवन से बुद्धि का नाश हो जाता है तथा इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं रहता है, और यही मांस का सेवन करने वाले के जीवन के दुखों का कारण बनता है। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मास्टरमाइंड नारायण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।